तो अगर तुम देखोगे इस वाले क्वेश्चन को, अगर तुम देखोगे तो बेसिकली इस वाले केस में क्या है कि ए स्विमर कैन स्विम इन स्टील वाटर विथ स्पीड बी। तो जब कोई आदमी नदी में कूद जाता है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर उसको मैं भी बोलता हूँ, एंड रिवर इज़ फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो भी बाई टू है, ऐसा बताया जा रहा है। तो क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम अप स्ट्रीम से थीटा डिग्री बढ़ा रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम टू स्विम ओवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्रॉस कराता हूँ उसको शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है। शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉसिंग का क्या कंडीशन होता है, ये टाइम टी वन लगा, तो अगर ये रिवर है, दिस इज़ द रिवर, अगर ये रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है और ये नदी को पार करना चाहता है, ठीक है, तो वो ए पॉइंट पर है और ये अगर नदी में कूदेगा तो भैया इसकी मर्जी है किधर भी कूद जाए, लेकिन कंडीशन है ना शॉर्टेस्ट टाइम में। शॉर्टेस्ट टाइम में आप पड़े होगे नदी के परपेंडिकुलर, रिवर की जो वेलोसिटी है इससे 90 डिग्री पर जंप लगाएगा इधर, ठीक है, तब जाके उसको टाइम सबसे कम लगेगा। यार बात समझ में आया? और जब नदी में कूद जाता है तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होता है, ठीक है, और वो ए से बी पॉइंट पे टारगेट बनाएगा, लेकिन बी पे वो कभी नहीं पहुंचेगा कि दे क्योंकि रिवर के पास कुछ वेलोसिटी है, तो ये वाली जो ड्रिफ्ट आई जाएगी इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ से अगर वेक्टर ट्रायंगल बनाओगे तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा, और यहाँ से तुम देखोगे तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगी, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हो जाएगा ये वाला। और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कंडीशन है, अब टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन इसको मुझे वाई एक्सिस में लगाना है, टू डायमेंशनल मोशन है, तो वाई एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वाई एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट डी है यार। तो टाइम अगर टी वन की जो वैल्यू है तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट डी है, और यहाँ तुम देखोगे तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट डी है, तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, तो वी एम आर है, और ये डी ओवर भी दिया हुआ है। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, शॉर्टेस्ट टाइम। अब शॉर्टेस्ट पाथ केस टू, तो केस टू में अगर शॉर्टेस्ट पाथ वाला जो टाइम निकालोगे, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या कंडीशन होता है, अगर ये रिवर है तो ये 90 डिग्री पर लाइन है और ऑब्जर्वर यहाँ पर है, इस बेचारे को स्विमिंग करनी है, ठीक है ना, तो यहाँ से शॉर्ट, लेकिन इसके पास क्या है भाई, ये ज़्यादा स्विमिंग नहीं करना चाहता ना, शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट करना चाहता है। वो फर्स्ट केस में इसको बहुत जल्दी थी, सेकेंड केस में ये स्विमिंग कम करना चाहता, तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमें पहले से कंडीशन पता है, पढ़े हुए थ्योरी, यहाँ से उसको ये एंगल कुछ बना के स्विमिंग करनी पड़ेगी, 90 से ज़्यादा एंगल रखना पड़ेगा। अब नदी में कूदेगा, तो नदी में कूदेगा तो वो बी पे टारगेट बनाया था, लेकिन बी पे वो पहुँचेगा नहीं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये है, नदी में कूद जाता है वो है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे है, ठीक है ना भैया। तो अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगा, ग्राउंड से देखूंगा तो ये दिखाई देगा। तो यहाँ से तुम देखोगे ये वाली चीज़, तो ये एंगल कहते हैं अप स्ट्रीम से थीटा एंगल बनाया, अप स्ट्रीम मतलब ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल जो है वो थीटा एंगल है, ठीक है। तो अगर ये अल्फा है, ठीक है, तो देखो अल्फा है, तो या तो तुम यहाँ टाइम टी टू निकालते हो, या तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखो एक ही ट्राइंगल है भाई, ये ट्राइंगल है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो या तो बी एम लिख दो, या दूसरे तरीके से ये लिख सकते हो कि डी ओवर इस वी एम आर का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो कि वो भी परपेंडिकुलर होगा। तो वी एम आर का अगर एक कॉम्पोनेंट मैं करता हूँ, समझना इसको अच्छे से, तो वी एम आर का एक कॉम्पोनेंट करूँ तो इधर आ जाएगा वी एम आर कॉस अल्फा, और इधर आ जाएगा वी एम आर साइन अल्फा, ठीक है। तो अगर वी एम आर कॉस अल्फा है तो ये आ जाएगा वी एम आर कॉस अल्फा, दोनों सेम टाइम देंगे, ठीक है, और अल्फा प्लस थीटा ये सब 90, देखो कितना होगा, अगर तुम देखोगे यहाँ अल्फा की वैल्यू जो है, मान लो हमें अल्फा चाहिए ना, तो ये पूरा एंगल थीटा, ये तुम देखोगे यहाँ से अगर ये थीटा है तो अल्फा प्लस 90 मस्ट बी इक्वल टू थीटा,
तो अल्फा की वैल्यू 90 माइनस थीटा आ जाएगी, समझ रहे हो, क्योंकि ये पूरा एंगल थीटा है और ये पूरा 90 है। तो यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू चाहे इसका यूज कर लो, लेकिन ये VMR की वैल्यू भी दिया था, और यहाँ से कॉस अल्फा 90 माइनस थीटा आ जाएगा, तो ये डी ओवर बी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करना, हमें रेशियो निकालना है, किसका किसका रेशियो निकालना है, टाइम टेकन टू शॉर्टेस्ट टाइम, मतलब T1/T2 की रेशियो निकालना। शॉर्टेस्ट टाइम D/V आया था, तो T1/T2 की अगर रेशियो देखोगे तो T1 तो D/V था यार, और डिवाइड कर दोगे यहाँ से T2, तो T2 D और ये भी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो डी ने डी को और ये मतलब कुल मिला के इसकी जो रेशियो आ जाएगी वो साइन थीटा के बराबर आ जाएगी। तो सवाल थोड़ा सा इसलिए मैं ज़्यादा टाइम दिया कि आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू।